स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप ग्रूस पे। मेरा नाम है सुनील यादव। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फेसबुक पेज पे हमें कैसे सेंड मैसेज वाला जो ऑप्शन होता है उसको कैसे इनेबल करना है। जी हाँ दोस्तों, हम बहुत सारे बटन्स को इनेबल कर सकते हैं, बस सेंड मैसेज वाले बटन को इनेबल करना क्यों जरूरी होता है मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। कोई भी अगर हमारा क्लाइंट है, कोई भी हमारा विजिटर है या कोई भी हमारी ऑडियंस है, वो अगर हमें मैसेज करना चाहेगी तो डायरेक्ट उस बटन पर क्लिक करेगी और हमें मैसेज कर सकते हैं। वो मैसेज हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, उनकी जानकारी के लिए हो सकता है, या उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई उनका इशू है, वो डिस्कस करने के लिए हो सकता है। तो इसलिए हमें इस बटन को इनेबल करना जरूरी होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे को इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए और आपको बताना चाहिए कि इस बटन का हम यूज़ कर सकते हैं और आसानी से अपने ऑडियंस के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके आंसर्स को हम, उनके क्वेश्चंस को हम इजीली आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। सेंड मैसेज वाला जो बटन होता है उसको हम यहाँ पे यूज करके ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्सेशन कर सकते हैं लोगों के साथ में, उनको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकते हैं, उनको हमसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बहुत एक अच्छे से हम उनसे बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं अपनी पब्लिक के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ जो हमारे पेज पे है। तो इस बटन को मैं कैसे कन्फिगर करना हम इस वीडियो में ये सीखेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से पेज आएगा जो अभी आया हुआ है, ठीक है। और आप जैसे यहाँ पे ये देखिए, पहला ऑप्शन आता है बुक विद यू का, उसके बाद आता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट यू का ऑप्शन। तो जैसे ही कॉन्टैक्ट यू का ऑप्शन आया तो यहाँ पे आया सेंड मैसेज का, सेंड मैसेज पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मैसेंजर, यू विल रिसीव मैसेज फ्रॉम पीपल इन योर इनबॉक्स। तो हमारा जो इनबॉक्स होगा उसके अंदर हम सारे मैसेज को रिसीव करेंगे डायरेक्ट, जो भी हमें लोग मैसेज को भेज रहे हैं उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कन्फिगर का जो मैसेज का ऑप्शन है वो आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा सेंड मैसेज का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे को कोई भी मैसेज भेज सकता है डायरेक्ट जो मेरे इनबॉक्स में आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ मैंने बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख सकते हैं, मैं, मेरी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। हमने फेसबुक से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई, अपने चैनल पर डाली हुई है, प्लेलिस्ट भी अपलोड की हुई है। तो आप जाके वहाँ से ई कॉमर्स के बारे में, वेबसाइट के बारे में, या फिर अगर आपको पेड प्रमोशन करने हैं तो आप वो कैसे कर सकते हैं, ई मेल मार्केटिंग के बारे में, गूगल एनालिटिक्स, गूगल वेब मास्टर, सबके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है। आप सकते हैं, आपसे सीख सकते हैं, जहां पे आपको कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना है, फ्री में आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और हमें मेल भी भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।